आज हम लोग थोड़ा एलिमेंट एनालिसिस हम लोग या हम लोग एस एनालिसिस टेक्निक की बात करते हैं। एक टेक्निक मैं और बताता हूँ, एस एनालिसिस टेक्निक। ये एक नया छोटा सा टॉपिक है, हमने एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एस राख जिसको बोलते हैं, एस एनालिसिस टेक्निक, ठीक है ना, एस एनालिसिस टेक्निक। मान लो तुम्हें किसी ऑर्गेनिज्म में पता करना है कि इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। आपको क्या मन हुआ? आपको मन हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए आप एस एनालिसिस टेक्निक यूज कर सकते हैं। एस का मतलब होता है राख, ठीक है ना। एस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है राख, ठीक है ना, राख को एनालिसिस करने का टेक्निक, ठीक है ना बेटा। एक मिनट रुक, चैट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ मोबाइल के पहले, 1 मिनट। ओके, तो हम लोग कैसे पता करते हैं? ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है। कोई भी चीज अगर तुमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें कितने हैं उसको पता करने का ये टेक्निक है, मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है? टेक्निक ऑफ क्या? तो बोल सकते हैं डिटेक्शन ऑफ क्या, तो इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल। ओके बेटा माही, वेरी गुड। हाँ तो प्रोबेबल का मतलब होता है बेटा, बाद में बात करते हैं, प्रोबेबल का मतलब कि लगभग, हाँ हो सकता है। एनालिसिस का मतलब पता करना, एनालाइज करना, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बताते हैं तुमको। सबसे पहले कोई लिविंग टिश्यू को लेंगे, कोई भी टिश्यू, चाहे एनिमल का चाहे प्लांट का। सबसे पहले हम लोग लिविंग टिश्यू को लेते हैं, जैसे मान लो किसी का लीवर निकाल लिए, पौधा है तो उसका कोई पत्ता तोड़ लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, सबसे पहले लिविंग टिश्यू लेने वाले हैं। और लिविंग टिश्यू को लेंगे ना, तो लेने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखा लेंगे, समझना मेरी बात। इसको लिविंग टिश्यू में जो वेट होता है उस वेट को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वेट, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश वेट। लिविंग टिश्यू में जो वेट होता है बेटा उसको फ्रेश वेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करना है बेटा जी, सुखा लेना है, ड्राई कर लेंगे, ड्राई मतलब सुखा लेना। और जब सुखा लेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा, सुखा लेंगे ना तो ड्राई हो गया, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, अब इसको हम लोग नाम देने वाले हैं ड्राइड वेट, सुखाया हुआ वेट, समझना मेरी बात। उसको हम लोग बोलेंगे अब ड्राइड वेट, ठीक है ना। तो इस टेक्निक में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग लिविंग टिश्यू जो है फ्रेश वेट है उसको सुखा लेंगे, ड्राई वेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ड्राई करने का मतलब क्या है, सारा का सारा पानी उसमें से निकल गया और क्या, सूख गया वो एकदम, ठीक है ना। और हाँ, बिल्कुल, लिविंग टिश्यू का जो वेट होता है उसको फ्रेश वेट बोलते हैं। जैसे माही मान लो कि अभी 50 kg की है, तो ये फ्रेश वेट हुआ उसका, और माही को सुखा दिए एकदम, मान लो पानी पूरा बॉडी का निकल गया, तो क्या बन जाएगी, ड्राई वेट बन जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिविंग को उससे सारे के सारे पानी निकाल देंगे तो वो ड्राई वेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये जो ड्राई वेट है उसका क्या करने वाला है समझना, इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जलाएंगे सिंपली, ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ध्यान दें, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो ड्राई वेट है वो जलेगा, बर्निंग होगा उसका, सिंपली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उसका बर्निंग होगा, वो जल जाएगा। और तुम ही मुझे बताओ, कोई भी चीज जलता है तो बनता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल, ध्यान देना, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल अगर उसको हम लोग जलाएंगे, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अगर उसको जलाएंगे ऑक्सीजन देंगे ना, तो जलने के बाद वो बनाएगा एस ना, राख बनाएगा जो हम लोग जानते हैं, और उस राख के अलावा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ना। तो बेटा जी पानी तो हमारा जो है वो हवा मतलब कि वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, समझना मेरी बात। पानी जो है बेटा वो तो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी छुमंतर हो जाएगा ना, ये दोनों गायब हो गया, पानी भी गायब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गायब हो गया, बच गया ये एस, ठीक है ना। ये एस क्या है, ये एस कुछ और ही नहीं, असल में ये हमारा इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये जो है ना सारे के सारे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कैटेगरी में हमारा आए, ठीक है ना बेटा। तो जैसे ही हम लोग ड्राई वेट को सुखाएंगे, उसको जलाएंगे, सॉरी उसको जलाएंगे, तो जो रिटेंटेड जो हमारा बच जाएगा ना, जो बचा हुआ सामान है बर्निंग के बाद, ठीक है ना, बर्निंग के बाद जो हमारे रिमेनेंट सब्सटेंस है वो हमारा एस बचेगा, ठीक है ना। रिमेनेंट, रिमेनेंट का मतलब क्या,
जो बचा हुआ है, बचा कुचा जो चीज है, रिमनेंट बोलते हैं इसको हम लोग, रिमनेंट बोलते हैं, ये जो सामान बचा हुआ है वो क्या है, हमारा राख है, ठीक है ना। ये हमारा रिमनेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो अपना राख होगा, ठीक है ना। और इस राख में देखोगे तो इसमें क्या है, ये असल में कंटेन करता है क्या, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको ये रखता है, इसमें ये चीज प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या समझेंगे बेटा, इसका मतलब समझेंगे हम लोग कैल्शियम, ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग समझेंगे मैग्नीशियम, ठीक है ना, ऐसे जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो हमें आसानी से कौन कौन सा एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है, ये कौन कौन सा हमारे अंदर में मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से पता कर लेंगे। ध्यान दो मेरी बात, समझो, एस एनालिसिस टेक्निक है क्या, कोई पूछे तो क्या बताओगे, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल को एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग पता करते हैं बेटा जी, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग पता करते हैं, उसको पता करने का जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है बेटा। कैसे पता करेंगे, तो प्रोसेस क्या है बेटा जी, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, लिविंग टिश्यू को लेने वाले हैं, ठीक है ना, फिर उसको सुखा देंगे, ध्यान दीजिए, लिविंग टिश्यू को लेकर के उसको क्या करने वाले हैं, सुखाने वाले हैं। लिविंग टिश्यू का जो वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट बोलते हैं, याद रखना, लिविंग टिश्यू का वेट फ्रेश वेट कहलाएगा। उसको सुखा देंगे तो बन जाएगा ड्राई वेट, मतलब इसमें पानी अब नहीं बचा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे या बर्निंग उसको बोल सकते हैं, और जलाने के बाद जो हमारा बचा कुचा चीज है जिसको हम राख बोलते हैं, वो राख हमारे पास होगा। और असल में ये राख है क्या, तो ये राख कुछ और नहीं, हमारा वास्तव में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बोल सकते हैं जमावड़ा है, जिसमें कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में तुमको पता करना है कि कैल्शियम कितना मात्रा में है, मैग्नीशियम कितना मात्रा में है, सोडियम कितना मात्रा में है, तो किस तरीके से पता करोगे, समझ में आया ये चीज, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में, रामलाल तू लोग भी बता। ओके अश्वी, वेरी गुड बेटा, शाहीन वेरी गुड, नुसरत ओके, सैफ, अर्जुन वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, अरे गधा प्रसाद से बोल नहीं रहा है, शहनवाज वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट, अरे बाराती पार्टी भी कुछ बोल दिया करो, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रो मॉलिक्यूल को कैसे हम लोग पहचानेंगे और माइक्रो मॉलिक्यूल को कैसे हम लोग पहचानेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा जी हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो यहां तक तो एकदम क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ओके चलो जी, हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम लिखते हैं जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने बॉडी के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसको याद करने से पहले एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, इसको याद करो, एक लाइन लिखता हूँ, याद रखना, ठीक है ना। उसका नाम है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उसको, क्या हम लोग बोलते थे, हाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, पढ़ना क्या लिख रहे हैं, याद हो गया क्या, और कार नहीं काका हमें, सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो, वैसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बना दिया है, ठीक है ना। और कार नहीं काका सुनो, सॉरी, और कार नहीं काका सुनो, और कार नहीं काका हाँ हमें सुनो, हमें सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो, वैसे मेनोमिक्स मैंने एक बना दिया है, याद कर लीजिए इसको, सबसे पहले याद करो, दिमाग में डालो। मान लो एक लड़का है, ठीक है ना,
और वो अपने काका से, अपने चाचा से कुछ बोल रहा है, ऐसे करके याद करना, ठीक है ना। कोई अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यही मिला बनाने के लिए, ठीक है। याद कैसे करना है? और कार नहीं काका, हमें सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो इसका मतलब क्या होता है वो बताते हैं, ध्यान देना। इसका मैं मतलब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग एक लिविंग सिस्टम में देखेंगे, तो उस लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ओ फॉर ऑक्सीजन याद रखेंगे, सी फॉर कार्बन याद रखेंगे, एन फॉर नाइट्रोजन याद रखेंगे हम लोग, सी फॉर कैल्शियम याद रखेंगे, एच फॉर हाइड्रोजन याद रखेंगे, एस फॉर सल्फर याद रखेंगे, एन ए फॉर सोडियम याद रखेंगे, एम जी फॉर एम एन मांगे मतलब क्या, हम लोग मैंगनीज याद रखेंगे, और एस फॉर हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे सिलिकॉन। अगर हम लोग, हमारे एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है, दैट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखोगे ना तो ह्यूमन बॉडी में, अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना, टोटल हमारे अंदर में जितने भी एलिमेंट है उसका 65% केवल हमारा ऑक्सीजन है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम लोग कार्बन की बात करेंगे, तो बेटा जी कार्बन हमारे बॉडी में जो है ना, पूरे जितने भी एलिमेंट है उसका लगभग 18.5% है, ठीक है ना, 18.5%। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन का जो मात्रा है हमारे बॉडी के अंदर में, वो बहुत, मतलब अगर हम लोग ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन में बात करेंगे, तो लगभग में 3.3% है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाद अगर हम लोग चले कैल्शियम पे, तो 1.5% हो जाता है बेटा, कैल्शियम हमारे शरीर में 1.5% है, ठीक है ना। उसके अलावे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे अंदर में 0.5% है, बहुत कम मात्रा में है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सल्फर को, तो 0.3%। ध्यान देना बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ डाटा याद रखना, ये सल्फर ये है 0.3%, ठीक है ना। अगर हम लोग सल्फर से आगे सोडियम की बात करेंगे, तो वो 0.2%, सोडियम बहुत कम मात्रा में, 0.2% सोडियम, 0.2%। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम की, तो 0.1%। ध्यान देना बेटा, मैग्नीशियम जो है वो 0.1%, और सबसे कम मात्रा में जो है ना वो सिलिकन है, सिलिकन 9 के बराबर है, ध्यान देना, सिलिकन जो है वो 9 के बराबर है, ठीक है ना। नील में लिख देता हूँ, नहीं के बराबर है। तो ये जो बॉक्स हमने बनाया, इसमें परसेंटेज तो बेटा आपको याद नहीं रखना है, ध्यान दीजिए, परसेंटेज तो बेटा जी याद नहीं रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे सिक्वेंस याद रखना है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है और सबसे कम मात्रा में कौन है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना ही रखना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। आपको कौन सा एलिमेंट कितना मात्रा में है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, उतना टफ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे याद रखेंगे, समझ मेरी बात। और कार नहीं काका, हमें सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो, और कार नहीं काका, हमें सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी इसको पढ़ना तो एक बार इसको याद कर लेना, ठीक है ना। जब भी इसको पढ़ना ना, तो एक बार देख ही लेना इसको। आपने एनसीईआरटी में अर्थ क्रस्ट का भी दिया हुआ है, लेकिन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोगों को इस आधार पे क्या पता चला, हम लोगों को इस आधार पे ये पता चला कि अपने बॉडी में अगर एलिमेंट की बात करें, तत्व की बात करेंगे, तो तत्व में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमारे शरीर के अंदर में, वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन तत्व के रूप में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में है, 65% हमारे पूरे बॉडी का, जबकि सिलिकन जो है ना हमारे बॉडी में 1 मिनट, सिलिकन की बात करेंगे तो सिलिकन नगण्य मात्रा में है, नील है, देख रहे हो, सिलिकन बहुत कम मात्रा में है, ठीक है ना। तो एक बार याद करो, और कार नहीं काका, हमें सुनो ना मांगे स्कॉर्पियो। मैं 2 मिनट तुमको टाइम देता हूँ, 10 बार मन में इसको रटो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स टाइम दे रहे हैं, 10 बार कम से कम उंगली पे गिन करके, ठीक है ना, 10 बार इसको रटो, तो जल्दी, 10 टाइम्स, जल्दी।
ओके बेटा चलो एक बार कॉपी पे जल्दी से लिखो तो इसको, बिना स्क्रीन को देखे हुए एक बार कॉपी पे लिखो जल्दी। नहीं बेटा केवल लिविंग के लिए है, देखो ह्यूमन में लिखे है ना, इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए नहीं, नॉन लिविंग के लिए नहीं। जल्दी से एक बार कॉपी में रख के लिखो तो जल्दी, बिना देखे हुए स्क्रीन को, बिना देखे हुए इसको एक बार लिखिए। क्या बात है, वेरी गुड धीरज बेटा, हाँ एक्सेलेंट जाहिद, गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, चैट बॉक्स में भी एक बार लिखी, तो इतना मेहनत कर रहे हो तो एक बार चैट बॉक्स में भी हो जाए जल्दी जल्दी, एक बार चैट बॉक्स बॉक्स में भी। चलो एक्सेलेंट गुड। तो बेटा जी अगर ह्यूमन में पूछा जाएगा एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन, और सबसे कम मात्रा में या न के बराबर कौन सा है, तो सिलिकॉन। क्या बात है, एक्सेलेंट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अगली क्लास में कभी भी हम पूछ देंगे ये चीज, याद रखना। चलो तो हम लोगों को कैसे, हम लोग एलिमेंट को पता करेंगे कैसे, हम लोग क्या है एस एनालिसिस टेक्निक, ये सब डिस्कस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे और चलते हैं। अच्छा तुम लोगों में से कौन कौन जानते हो मेटाबॉलिज्म को या मेटाबॉलिक रिएक्शन को, कौन कौन जानता है मेटाबॉलिक रिएक्शन बताना तो। गुड एक्सेलेंट बेटा जी, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बताओगे कोई, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। चलो मैं बताता हूं, देखो ये सेल जो है ना, ये सेल हमारा जो है, हाँ ये सेल जो है इसको जिंदा रखने के लिए, अगर मान लो ये सेल अलाइव है, ये जिंदा है ठीक है ना, तो सेल हमारे अंदर में इसलिए जिंदा है क्योंकि इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो रिएक्शंस लगातार हो रहे हैं ठीक है ना। जिस दिन ये रिएक्शंस होना बंद हो जाएगा ना, उस दिन हम लोग मर जाएंगे ना। मतलब क्या, हमारे सेल हमारे बॉडी के अंदर में लगातार कुछ विशेष प्रकार की रिएक्शंस चल रही होती है जो हमें जिंदा करके रखती है ठीक है ना, उसी रिएक्शंस के समूह को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में बेटा जी हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस ठीक है ना इन सेल विच किप्स अस क्या, या किप्स, हाँ किप्स अस अलाइव, वो सारे रिएक्शंस का सम या जोड़ जो कि हमें जिंदा रखने में मदद करता है, हमें जिंदा रखता है, उस सारे रिएक्शंस के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्लियर, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताइए मेटाबॉलिक रिएक्शन क्लियर। ओके गुड गुड गुड, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है वो हमें क्लियर हो गया। चलिए जी तो थोड़ा लगे हाथ ये भी बता दीजिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं जल्दी। धीरे हमारे शरीर के अंदर में जो भी रिएक्शंस होते हैं सबको मिलाकर के बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, जल्दी चैट बॉक्स में बता दे बेटा। वेरी गुड, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का होता है, क्या बता सकता है कोई कौन कौन सा टाइप होता है, कौन बताएगा जल्दी, कौन बताने जा रहा है जी। ओके एक्सेलेंट बेटा, क्या बात है आशवी, गुड बेटा। देखो दो तरीके का होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है ना। तो दो तरीके का रिएक्शन हुआ, एक हुआ एनाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है ना, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे कैटाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है ना। अब भाई साहब कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, थोड़ा उसको भी देख ही लिया जाए। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा शरीर एक बहुत छोटा था, तुम इतने बड़े हो गए, गधा से भी बड़े हो गए ना, तो तुम जब इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हारे अंदर में क्या हुआ होगा, बहुत सारे तरीके के रिएक्शंस होकर के आपके अंदर में बहुत सारी केमिकल्स बनी होंगी ना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे केमिकल सिंथेसाइज हुए होंगे, तब तो आपका बॉडी बढ़ा है ना। तो मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ठीक है ना, ये रिएक्शन क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं केमिकल्स को इनसाइड बॉडी ना, हमारे बॉडी के अंदर में केमिकल को जमा करते हैं ना।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट के अंदर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बेटा ना। वैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे अंदर में जो है ना ग्लूकोज जो है ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है वो इवेंट ना, तो इसको हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन के अंदर में डाल सकते हैं। जबकि कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा जी, कैटालाइसिस मतलब टूट जाना, बिखर जाना। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझना मेरी बात, वो केमिकल्स को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंथेसिस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल हो रहा है, ठीक है ना, केमिकल टूट रहा है बेटा, ठीक है ना। और केमिकल्स अगर टूट रहा है तो उसे बोलेंगे कैटाबोलिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तुम्हारे अंदर में जो है ना ग्लाइकोजन तुम्हारे अंदर में जमा हुआ है, अब ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, टूट गया ना, आपके अंदर वो फैट जमा है और फैट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं बेटा जी, चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं इसलिए बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन ना। तो इस आधार पे हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन में बोल सकते हैं यहाँ पे कोई चीज बनता है, इसी कारण से इसको हम लोग एक और प्यारा सा नाम देते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं बेटा, ध्यान देना, इसको हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन के भी नाम से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि कैटाबोलिक रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे तो भाई साहब उल्टा फुल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे तो टूट रहा है चीजें, इसीलिए इसको हम लोग इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के, मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर के अंदर में जो चीजें बनता है उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन, और जो तोड़ने वाला हमारा रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में। बेटा ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देता है और क्या, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, सारी चीजें क्लियर, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो तो ये तो कहानी हम वैसे ही बता रहे थे, समझाने का क्या मतलब था वो आप बताओ, पेज नंबर बताना थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में, आई थिंक 2 होना चाहिए, 3 है, ओके देख लेना, ओके ओके बेटा 3, चलो ठीक है। तो इसको अपन सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने पास कितने मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, चलो ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूँ मैं। हाँ अच्छा, एक और चीज देखो, एक होता है मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट इसका मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइट, क्या बात है, वेरी गुड फरीन, एक्सेलेंट बेटा, फरीन ने डिफिनेशन लिखा है, सर मेटाबोलाइट सब्सटेंस जिसका कोई भी प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म से लिया गया हो, हाँ बोल सकते हो। देखो मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है, वो केमिकल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल, ठीक है ना। अरे झामलाल परेशान क्यों कर रहा है तू, सर बहुत पीटेंगे तुमको, 1 मिनट रुक जा, हाँ बोल सकते हैं ये क्या है, तो केमिकल्स है ठीक है ना, विच पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, वो केमिकल जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल को हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट, ध्यान देना शब्द पे ध्यान दो पहले, मेटाबोलाइट का मतलब क्या हुआ, मेटाबोलाइट का मतलब हुआ वो केमिकल जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, केमिकल्स विच पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज मेटाबोलाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आइज होता है कि भाई साहब मेटाबोलाइट जो हमारा है वो कितने प्रकार के हैं ना, तो देखो 2 तरीके का मेटाबोलाइट होता है बेटा, ठीक है ना, कौन कौन सा ध्यान देना, एक मेटाबोलाइट जो होता है ना तुम उसको देख के बोल सकते हो कि हाँ देखो देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जा रहा है रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो, ठीक है ना, ये क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कहाँ, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब एकदम फ्रंट से है, इसको देख के तुम बता सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा, ठीक है ना, इस आधार पे बोल सकते हो कि ये जो हमारा है डायरेक्टली इन्वॉल्व है,
और कुछ ऐसा है जो कि डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं, ठीक है ना। वो हम बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन, प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ध्यान देना बेटा। दूसरा जो है ना उसको बोल सकते हैं इज नॉट इन्वॉल्व कहाँ, इन प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। जो प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है उसमें वो इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है बेटा। ये प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी खासियत क्या होगी पता है? ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। बोल सकते हैं इसके पास कोई डायरेक्ट फंक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में नहीं है। बोल सकते हैं हैव नो डायरेक्ट फंक्शन कहाँ, तो इन ग्रोथ एंड कहाँ, डेवलपमेंट, ठीक है ना। आप पहले इसको देखो, मुजाहिद फिर बात करेंगे उसके बारे में बेटा, ठीक है ना। जबकि इसमें देखेंगे तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसका हैव डायरेक्ट क्या, तो फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन है कहाँ बेटा, ध्यान देना, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसका डायरेक्ट असर है, ठीक है ना। तो बेटा जी क्या है यहाँ पे मेरे रिसर्च, क्या ध्यान देना, दो तरीके का हमारा मेटाबोलाइट है। एक मेटाबोलाइट है जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो दूसरा जो हमारा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, या मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट, प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है ना, जबकि इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई डायरेक्ट असर जो है हमारा नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें बेटा तो दो तरीके का हमारा आया। पहला वाला जो हमारा है ना, जिसका प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में हमारा डायरेक्ट असर पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल दिखा देते हैं तुमको, एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में जितने भी चीजें इन्वॉल्व हैं वो हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट है। रेस्पिरेशन में जितने भी केमिकल्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारे होंगे ना। तो इससे एग्जांपल हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें। और पता है बेटा ये जो हमारा है, जो कि हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा। इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, ऐसे केमिकल्स या ऐसे मेटाबोलाइट को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड, क्या नाम देने वाले हैं इसको, नाम देने वाले हैं हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट। इसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है तो क्या बोलना, अगर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ग्रोथ डेवलपमेंट पे असर करता हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जबकि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है ना, और प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, तो अब इसको हम लोग, अब क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है बेटा। इसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। साला बोल रहा है सर रिस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा, श्वसन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, श्वसन बोलते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके का मेटाबोलाइट हमारे पास आया बेटा, ध्यान दो, हमारे पास दो तरीके का मेटाबोलाइट आया, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट में जितने भी हम लोग केमिकल्स पढ़ेंगे ना अभी से लेकर के अंत तक, सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट में है। चूंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते हैं। अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेकिन इसके बाद कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले मुझे यहाँ पे पेज नंबर बता दो, कौन सी पेज नंबर है बेटा ये, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके गुड, फोर नंबर चाहिए हमारा है ये पेज नंबर। ओके तो पेज नंबर फोर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं बताता हूँ अभी का अभी याद होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कौन कौन सा है, मैं कुछ लिखता हूँ उसको तुम लोग अभी रट्टा मारोगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके वेरी गुड बेटा,
एग्जाम्पल इसका है, एक लड़की है अलका, बहुत बदमाश किस्म की है, कैन मर्डर, वो मर्डर कर सकती है इसके जरिए, तो थ्रू अरबीन एंड राइसिन, थ्रू ठीक है ना, थ्रू अरबीन एंड राइसिन, ठीक है बेटा, एक केमिकल है अब्रीन, उसके जरिए, और जो हमारा राइसीन है उसके जरिए वो, एक मिनट, अब्रीन क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, अब्रीन, ABRIN, अब्रीन एंड राइसीन, अलका नाम की लड़की है जो मर्डर कर सकती है अब्रीन और राइसीन के जरिए, लेकिन लड़की थोड़ा दयालु किस्म की है, लड़कियां दयालु होती भी हैं ठीक है ना, लेकिन लेटर बाद में कंटिन्यू, बाद में इलाज भी करेंगी ठीक है ना, कंटिन्यू थ्रू किसके द्वारा, कुछ ड्रग्स देकर के उसका इलाज भी कर देगी वो, ड्रग्स लाइक, ध्यान देना, ड्रग्स लाइक विनब्लास्टीन एंड, ध्यान देना बेटा, विनब्लास्टीन एंड करकमाइन, तो नाम अजीब अजीब तुम लोग को लग रहा होगा लेकिन ये याद करना पड़ेगा बेटा, कोई उपाय नहीं है ठीक है ना, करकमाइन जो है उसके द्वारा वो इलाज भी कर सकती है, चलो ध्यान देना यहाँ पे, समझना इस चीज को, तो यहाँ पे क्या है, कहानी क्या है, अलका नाम की एक लड़की है, बहुत दयालु किस्म की है, नहीं बहुत बदमाश किस्म की वो लड़की है, वो मर्डर कर सकती है ठीक है ना, ध्यान देना वर्ड पे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलका नाम की लड़की है ठीक है ना, वो मर्डर कर सकती है, किस चीज से, तो थ्रू अब्रीन एंड राइसिन, तुमको मैं बता दूं अब्रीन और राइसिन जो है ना बहुत ही खतरनाक जहर होता है, पता है तुमको, ये जो है ना बहुत ही खतरनाक जहर होता है, अब्रीन का अगर एक बूंद तो बहुत हो गया, एक बूंद में तो लगभग 25-50 आदमी मर जाएगा, इतना जहरीला वो होता है, अब्रीन अगर माइक्रोग्राम में, 0.2 माइक्रोग्राम अगर इतना भी शरीर में दे दिया जाए ना तो आदमी मर जाता है, और राइसिन जो है, ये राइसिन जो है वो भी खतरनाक है, राइसिन ये भी एक ऐसा जहर है जिसको बहुत कम मात्रा में दिया जाए तो आदमी मर जाएगा, समझो मेरी बात पहले समझो, तो अवरीन और राइसिन क्या है, जहर है ठीक है ना, अलका नाम की लड़की अवरीन राइसिन देकर के मार सकती है, लेकिन वो लड़की अच्छी है ठीक है ना, तो इस कारण से वो उसको बाद में जिंदा भी रह सकती है, किसके जरिए, तो कुछ ड्रग्स है जैसे विनब्लास्टीन और करकमीन, ये जो है ना इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विनब्लास्टीन तो बहुत ही फेमस है, इसका इस्तेमाल कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है, ब्लड कैंसर या लिम्फोमा जो होती है ना उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिखा, पहले तो ये याद करो, अलका कैन मर्डर थ्रू अब्रीन एंड राइसिन, लेटर कंटिन्यू थ्रू किसके द्वारा, लेटर कंटिन्यू बाद में वो कंटिन्यू कर सकती है थ्रू किसके जरिए, तो ड्रग्स लाइक विनब्लास्टीन एंड करकमीन, इसको पहले 10 बार रट्टा मारो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, जल्दी 10 बार फटाफट इसको रट्टा मारो, ओके बेटा, फिर से मैं एक बार रख लेता हूँ, मैं फिर से तुम लोगों के साथ दोहराता हूँ, अलका कैन मर्डर थ्रू अब्रीन राइसिन, लेटर कंटिन्यू थ्रू ड्रग्स लाइक विनब्लास्टीन एंड करकमी, ठीक है ना, अलका कैन मर्डर थ्रू, ध्यान दो, अलका कैन मर्डर थ्रू अब्रीन एंड राइसिन, लेटर कंटिन्यू
हाँ, लेटर कंटिन्यू थ्रू ड्रग्स लाइक विनफ्लास्टिन एंड करकमीन, ठीक है ना। अल्का कैन मर्डर थ्रू अब्रीन एंड राइसिन, लेटर कंटिन्यू थ्रू ड्रग्स लाइक विनफ्लास्टिन एंड करकमीन, ठीक है ना। चलिए जी, ये याद हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। देख बेटा, ये जो हम बता रहे थे विनफ्लास्टीन, इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने में, ब्लड कैंसर को ठीक करने में। लिम्फोमा एक बीमारी होती है, उसको ठीक करने में इसको किया जाता है। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था। अब इधर मैं लिखता हूँ, देखो अल्का से यहाँ पे वर्ड आएगा एल्कलोइड, एल्कालोइड। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा है दो टू है। पहला तो हमारा एल्कलॉइड में एग्जाम्पल है, वो है हमारा, ठीक है ना, उसमें हमारा पहला एग्जाम्पल जो हमारा है एल्कलॉइड में, दैट वन इज यहाँ पे कैन सी, सी से कुछ होना चाहिए ना। तो एल्कलॉइड में हमारा है कोइडीन, COODEIN, कोइडीन। कैन, एम से हमारा हो जाएगा मॉर्फीन, मॉर्फीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग को ऐसे याद रखना है, ध्यान दे बेटा, यहाँ पे एल्कलॉइड कोइडीन मॉर्फिन के लिए ये वर्ड आया, ए फॉर अल्का एल्कलॉइड, सी फॉर कोइडीन और एम फॉर मॉर्फिन, मर्डर से मॉर्फिन, ठीक है ना। तो एल्कलॉइड का एग्जांपल हो गया कोइडीन और मॉर्फिन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब्रीन राइसिन, ठीक है ना। तो अब्रीन और राइसिन जो हमारा है वो क्या है बेटा, ध्यान देना, अब्रीन और राइसिन जो है ना वो हमारा है टॉक्सिन, टी फॉर थ्रू, TOXIN, टॉक्सिन। टॉक्सिन का दो एग्जाम्पल है, एक है अब्रीन, बहुत ही खतरनाक जहर है ये, और दूसरा हमारा राइसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जी हम लोग को ये याद रखना है। चलो मैं इसको कलर कर देता हूँ, टी फॉर टॉक्सिन, और टॉक्सिन में कौन कौन सा आ जाएगा, अब्रीन और राइसिन, उसका एग्जाम्पल है, याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ध्यान दो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बेटा, ध्यान देना, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है बेटा, लैक्टीन, लेटर लैक्टीन, वर्ड में ध्यान दो, लैक्टीन, LACTIN, एक मिनट, लैक्टीन, LACTIN, लैक्टीन। लैक्टीन में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बेटा जी, तो सी फॉर कॉन कैनावालिन, उसको बोलते हैं हम लोग, या हम लोग, हाँ लैक्टीन में अगर हम लोग, सॉरी, लैक्टीन में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो एक ही आता है हमारा, वो है कॉन कॉनावालिन, CONCONAVALIN, स्पेलिंग देख लेना, कौन कौन वालीन, ए कौन कौन वालीन ए, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखना है। लैक्टिन का एकमात्र एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे याद रखना है कौन कौन वालीन ए, ठीक है ना। तो एल फॉर लैक्टिन, उसका याद रखना है हम लोग को कौन कहना वालीन, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ड्रग्स की बात करेंगे बेटा जी, ध्यान देना, ड्रग्स की बात करेंगे। तो ड्रग्स में हमारा दो एग्जाम्पल है, पहला तो हमारा है वेन ब्लास्टिन, ठीक है ना, वेन ब्लास्टिन, और दूसरा हमारा हो गया करकमीन, ठीक है ना, करकमीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेन ब्लास्टिन और करकमीन जो हमारा है, दैट वन इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये बेटा जी ये एग्जाम्पल हमारा ड्रग्स का है, हम लोग को रट्टा मारना है, ठीक है ना। और ये चारों का चारों VVI है, इसलिए मैंने इसका म्यूनोमिक्स बना दिया है, एक टेक्निक बना दिया याद रखने का, ताकि जल्दी हम लोग भूले नहीं, ठीक है ना। याद रखेंगे तो आसानी से, अल्कलॉइड में कोडीन मॉर्फिन, टॉक्सिन में एब्रीन राइसिन, लैक्टिन में कॉनकाना-वैलिन ए, और ड्रग्स में विनब्लास्टिन और करकमीन, ठीक है ना। ये चार हम लोग को याद रहेगा। उसके अलावा कुछ और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो तुमको याद रखेगा, आने वाले समय में तुम आसानी से याद रखोगे। कुछ विशेष प्रकार की पिगमेंट होती है, वर्णक बोलते हैं या रंग बोलते हैं। अगर हम लोग पिगमेंट की बात करेंगे तो पिगमेंट में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है बेटा जी, हमें याद रखना है कौन सा, ध्यान देना, पिगमेंट में हमें याद रखना है कैरेटिनॉइड पिगमेंट और एंथोसयनिन, कैरेटिनॉइड। बताना कैरेटिनॉइड कहाँ पे पाया जाता है बेटा, याद करो, मैंने बताया भी है, जल्दी चैट बॉक्स में याद करो, हमने बताया था कैरेटिनॉइड के बारे में, उसके बारे में हमने बताया था बेटा कि ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, याद करो, क्लोरोफिल के आसपास में ना। तो कैरेटिनॉइड पिगमेंट के बारे में बोल सकते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, तो इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। जबकि एंथोसायनिन है ना बेटा, ये पाया जाता है लार्ज वैक्यूल में, इन लार्ज वैक्यूल, ये बड़े बड़े जो प्लांट के वैक्यूल होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार का रंग है, हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है बेटा जी, तो इसके बारे में बोल सकते हैं ये एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है, ठीक है ना, ये एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट हमारा होता है। तो ये हमें याद ही रहेगा आने वाले समय में, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। उसके अलावा हम लोग को याद रखना है क्या,
कुछ हमारा टर्पेनोइड होते हैं, टर्पेनोइड, ठीक है ना। और टर्पेनोइड का या नाम एग्जाम्पल हम लोग को क्या याद रखना है, दो ठो, मोनो टर्पेन्स और डाइ टर्पेन्स, मोनो टर्पेन्स और डाई टर्पेन्स। तो इसके नाम ही के ही पीछे लगा हुआ है टर्पेन्स, तो इसको याद रखने में तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। टर्पेनोइड का एग्जाम्पल तो मोनो टर्पेन्स और डाई टर्पेन्स टर्पेन्स ना, तो ये तो आसान चीज है, ये भी तुम्हें याद रहेगा, इसको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक और याद रखना है, वो है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है ना। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस का एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारा रबर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो गम्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो सेल्यूलोज आ जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारा बोल सकते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस का। तो ये भी तुमको याद रहेगा आने वाले समय में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर के जो मैंने चार लिखा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कहाँ से पाए जाते हैं, तो जनरली ये सारे के सारे पौधों से पाए जाते हैं, ध्यान देना। हमने यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखा है ना, ये सारे के सारे पौधों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं बेटा अधिकांश का, ठीक है ना। टर्पिन्स केमिकल है बेटा, फतेहा, टर्पिन्स है बेटा, ये केमिकल है बेटा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देख लो, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट था, सबको याद करना है हमें। सबसे पहले एल्कोलाइड में कोडीन मॉर्फिन, टॉक्सिन में अब्रीन राइसिन, लैक्टिन में कॉनकेनाफेलिन ए, ड्रग्स में विनप्लास्टिन, कर्कमीन, पिगमेंट में देखेंगे तो कैटोनाइड पिगमेंट एंथोसाइनिन, टर्पिनोइड में देखेंगे तो मोनोटर्पिन डाइटर्फिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स एंड सेलुलोज। तो बेटा जी यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी अल्फा कार्बन बताइए ना, नाजरीन बोल रही है। देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो होता है कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, ठीक है ना। अब्रीन जहर कहाँ मिलता है, क्या बात है साहब, इसे बदला लेना है क्या।